व्यक्ति साधना करता है उसी के जीवन में ही अवरुद्धता आता है, उसी के जीवन में ही बड़े बड़े भवंडर आते हैं, उसी के जीवन में ही सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन, होकर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है, दिव्य ध्येय के ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है। जो तपस्वी होते हैं, जो साधक होते हैं, तब किसी कवि ने, किसी ऋषि ने ऐसे शब्द लिखे ना, दिव्य ध्येय के ओर तपस्वी। जब तपस्वी, जब साधक साधना करने लगता है ना, तो उसके अंदर दिव्यता, उसके अंदर ऊर्जा, ओज, तेज, वीर्य, ताकत, पावर, स्ट्रॉन्गिटी आ जाते हैं। तब क्या होता है ना, जब तक वो व्यक्ति, कल तक वो दिखाई नहीं देता था, आज वो दिखने लगता है। जैसे आप आए हो, बैटरी आपका डिस्चार्ज है, आप यहां एक महीना साधना करके फोटो उठा लेना या लोगों में चल के जाना, लोग आपके तरफ देखने लगेंगे। क्या हो गया? आपके अंदर वह सम्मोहन शक्ति, वह साधना शक्ति, ऊर्जा अंदर बढ़ने लगा, लोग आपके तरफ रिझाने लगे, आकर्षित होने लगे। तब क्या होता है, सज धज कर आए आकर्षण, लोग आपको आकर्षित करने लगेंगे। अबे गुरुकुल में गाय चरा रहा है, अबे गुरुकुल में खेती कर रहा है, अबे गायकुल गुरुकुल में वेद पढ़ रहा है, अरे मूरख गुरुकुल में जाके क्या जड़ी बूटी स्वास्थ्य कर रहा है, बेकार है सब धंधा, देखो हम कितना बढ़िया मैकॉले का एजुकेटेड है, एजुकेटेड इडियट, काले अंग्रेज, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, जीवजन खाए ठोकर आज, चले जला चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, ये जिते पढ़ा सते बेड़ा, जिते पढ़ुआ सते कुड़िया, ये तुम्हें आकर्षित करेंगे, लड़का आकर्षित करेंगे, लड़की, मेरे पास गुरुकुल में कई युवाएं ऐसे भटक गए, दिग्भ्रष्ट हो गए, क्योंकि जहां उनको मैं साधना कराता हूं सिद्धि होते हैं ना तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा। ऐसा जरूरी नहीं है जिम जाना पड़े तब जाके बॉडी वॉडी फूलेगा, तब लड़कियां आकर्षित हो जाएंगे और तुम्हें भटकाएंगे, नहीं। ये गुरुकुल के रामायण के युग में राम जी जब विश्वामित्र के साथ जाते थे ना, तो रस्ते पे विश्वामित्र क्या बोले, ये राक्षसी को मार दो। क्या नाम था उस राक्षसी का? बोले इसे मारो। बोला क्यों? ये बहुरूपी और रूप परिवर्तन करके गुरुकुल के युवाओं को भटका देता है, इनके वीर ओरियों को चूस लेता है और इन्हें मोह में, माया में, कामना में डाल देता है, मारो, खत्म करो। समझ में आ रहा है? तो गुरुकुल में जब साधनात्मक शिक्षा विज्ञान आरंभ हो जाता है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, छह महीना होते होते आपके अंदर, मैं दिखाऊं, छह महीना होते होते मेरे गुरुकुल के लड़कों के पीछे लोंडिया पड़ जाती, रस्ते में, गुरुकुल के अंदर नहीं, बाहर, मैं उन्हें बड़ा नजर में रखते 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 भी भटक जाते, पिघल जाते, बहक जाते। क्यों? पौधा बड़ा हुआ नहीं, पौधा मजबूत हुआ नहीं, हल्का हल्का है उन। अब मैं तो बागवान माली, मैं कितना माड़ लगाऊं, बेड़ लगाऊं, बकरी, गधे, गाय तो चर ही जाएंगे। होगा, सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन। अब जहां देखे कि ये पैसा कमाने लगा गुरुकुल में, गोबर गोमूत्र का कतरा कतरा उपयोग करने लगा, पैसा कमाने लगा, खेती करके पैसा कमाने लगा, छोटे से जगह में बहुत ज्यादा इनकम करने लगा, गांव गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा के लोग अपने आप, हम पैसा मांगते ही नहीं, लोग पैसा जबरदस्त, अरे महाराज पैसा लो, आने लगा। अब पैसा पकड़ में आने लगा तो फिर क्या होता है जानते हो? पग पग पर झूमती प्रलोभन। कोई बड़ा सेठ जी टाइप और बड़ा संगठन वाले, यहां भी कोई अपना स्वास्थ्य केंद्र खोल लिया, कोई गधा बड़ा डॉक्टर, जैसे उल्लूपाथी के नोचिंग होम हुए ना, ऐसे ही नेचुरोपैथी, मिट्टी पानी धूप हवा वाले भी अपने नोचिंग हम खोल के बैठे हैं। वो बोलते हैं हमारे पास काम करोगे? वो आचार्य संजय कितना देता है? बोला मुफ्त में खट रहे हैं, कोई पैसा नहीं देता, बल्कि हमसे पैसा लेता। बोला ऐसा कर, हमारे नेचुरोपैथी सेंटर में आ जा, 5,000 देंगे, मालिश करेगा, मिट्टी पट्टी लगाएगा, पानी पट्टी लगाएगा, जड़ी बूटी कूटेगा, 5,000। इसको मैं 5 करोड़ कमाने का रास्ता में लेके जा रहा हूं, 5,000 के प्रलोभन में क्या हो गया, भाग गया।
पग पग पर झूमती प्रलोभन। इसको कोई नेचुरोपैथी सेंटर या पंचगव्य सेंटर या पंचकर्मा सेंटर या स्पाय में भेज दिया, जा देख क्या क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा झांक के तो देख माया कैसे अपने काया विस्तार करके रखा है। गया और देखा कि कोई सुंदरी नर्स है वहां मालिश वालिश कर रहे, कितना कमा रहे हो, 5,000 ऐसा है। वो आप उसको आपके पीछे लगा दिए, कौन वो नोचिंग होम वाले नेचुरोपैथी वाले, मिट्टी पट्टी लगाओगे 50 रुपया, पानी पट्टी लगाओगे 100 रुपया, गोबर पट्टी लगाओ पंचगव्य वाले पंचकर्मा वाले गोबर पट्टी लगाओगे 1,300 रुपया, वो लगा दिए आपको माया को। और विश्वामित्र और विश्व उसके सामने जब मेनका और उर्वशी रंभा आ गए अपना माया विस्तार काया विस्तार करने, तो मेरा साधक क्या हो गया, पग पग पर जो मति प्रलोभन हो कर विमुख विटोही पथ पर संभल संभल चलता है। अगर इन सबसे विमुख विटोही होके अपने साधना पथ पे संभल के चलोगे तो फिर मेरे विरोधी बैठे हैं गुरुकुल के, तो हर हर युग में गुरुकुल के विरोधी बैठे हैं, शत्रु बैठे हैं, षड्यंत्री बैठे हैं, आपको मेरे विरुद्ध में झूठ सच बताएंगे। जैसे कबीरदास को कोई ब्राह्मण लोग आ गए एक वेश्या को लेके, उसके पेट में कपड़ा उपड़ा ठूस के कपट्टा ठूस के बोला ये कबीरदास ने मेरा ऐसा ऐसा किया गंदा किया। राजा के पास पहुंचे कबीरदास को बदनाम करने, तो कबीरदास के सामने राजा बोले दे दो भाई मेरा बीवी है, मुफत कबीरा शादी का बीवी मिल गया, तो बच गया। बुद्ध को भी नहीं छोड़े, बुद्ध के पास भी ऐसे ही कुछ लोग ब्राह्मण लोग या कुछ और उसके षड्यंत्री, बुद्ध भगवान अहिंसा धर्म सत्य के पुजारी, कोई लकड़ी डाल के किसी ऐसे ही वेश्या को लाके खड़ा कर दिया, बोला बुद्ध देव मेरा सोहर मेरा मेरा आदमी शादी किया ऐसे मेरे को कर दिए। विवेकानंद को भी नहीं छोड़े, अब हम कौन खेत के मूली, तो वो भी तुम्हारे दिमाग में बात डालने लगेंगे इधर उधर का, स्वाभाविक है क्योंकि चारों तरफ हिंसा स्वार्थ परस्वीकारता लोग लगे हैं पैर खींचने के लिए। और जो लेग पुलिंग है ना पूरे भारत में सबसे ज्यादा हमारे उड़ीसा में, ककड़ा जानते हो ककड़ा है? वो अमेरिका में एक बॉकेट एक बल्टी गया समझ में आओ, तो सबका जो स्पेसिमेन है अमेरिका में सभी देश से अपना अपना जीव जंतु भेजे थे, उड़ीसा से भी भेजा गया था, उड़ीसा में एक बल्टी में भेजा था एक बॉकेट में भेजा था वो खुला था, तो अमेरिका के वैज्ञानिक सब दौड़ भाग करने लगे, बोला क्या हुआ, वो एक स्पेसिमेन है जो एक एक सैंपल आया है जो खुला है नॉन पैकिंग, बोले क्या हो गया, बोले कहां से आया, बोला उड़ीसा से, तो उड़ीसा से जो वैज्ञानिक गया था बोला डोंट वरी सर ये कंकड़ा ऊपर जाएगा तो उड़ीसा के कंकड़ा खा खा के हम लोग सब पकड़े दूसरा फिर खींच लेते, तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैकिंग से भी ज्यादा सेफ है, एक भी कंकड़ा बाहर नहीं जाएगा। कंकड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो जो 10 पैर रहता है, जो बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही है, क्या बोलते हैं कंकड़ा को महाराज, कंकड़ा को क्या बोलते हैं, कंकड़ा कंकड़ा केंकड़ा, हाँ वो ऐसा है। तो तुम जो साधना करने के लिए आए हो अब उतना सारा चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। सोचो कृष्ण भगवान को सांदीपनी गुरुकुल में 3 दिन बाहर लटका दिए, बोला रुको सोचेंगे तुम लाइक हो कि नहीं, बारिश खड़े हुआ समझ में आ रहा है जी। तो वो कृष्ण भगवान कोई धन दौलत का कमी था नहीं, राजा का बेटा था, वो सुदामा गरीब ब्राह्मण के साथ थोड़ा सा चूड़ा देके जंगल भेज दे जा लकड़ी लाने रह सकोगे नहीं। अब सोचो जाबालक उपाख्यान या गौ ग्रंथ में आता है कि गुरु के पास जब ये आता है बोलता है वो ज्ञान चाहिए जो अदृश्य को भी दृश्य कर सके, अज्ञात को भी ज्ञात कर सके, अश्रव्य को भी श्रव्य कर सके। तो गुरु बोलता है कि यहां से 10 गाय लेके जा जंगल 1,000 हो जाए तो रिटर्न आना। क्यों, बोला मेरा बाप के पास गया था तुम्हारा डिग्री सर्टिफिकेट एमए पीएचडी का, और मेरा बाप वो सर्टिफिकेट लिया और फाड़ के मेरा मुंह में फेंक दिया, मेरा बाप वो क्या बोला पता है, बोला यार हमारे वंश में तेरे जैसे अकाल कुष्मांड महामूरख डिग्रीधारी कागज का डिग्रीधारी कोई हुए नहीं, तुम एक ही है धरती का बोझ अनाज का दुश्मन, हो सके तो यहां से भाग। बोले फिर पिता पूछ रहा है पुत्र को कि बताओ ऐसा ज्ञान जो अदृश्य है उसे दृश्य कर सके, जो नहीं सुनाई देता है उसे सुन सके, जो नहीं दिखाई देता वो देख सके, जो नहीं बोधगम्य है उसे बोध कर सके। तो बोला मैं तो 24 साल के पूरा एमए पीएचडी जो जो गुरु के पास किया था उसमें कहीं ऐसा ज्ञान नहीं था। तो बोला भाग, बोले कौन ज्ञान देगा, उसी गुरु के पास गया। वो गुरु के पास गया तो गुरु बोला ठीक है मिल जाएगा लेकिन इतने गाय लेकर भाग जा जंगल। तो बोला क्या, आई एम डिग्री पीएचडी एमए होल्डर,
मैं कॉले एजुकेटेड, गाय चराने जाएंगे और तुम बोलते हो गाय चराने से ज्ञान मिलेगा, करके भाग गया। आधा रास्ते में सोचा यार फिर ये ज्ञान और कौन देने वाला है और कहां से गुरु मिले, जाना ही पड़ेगा, मरे सो क्या ना करे, गया बात माना गुरु का। फिर जाता है गाय लेके जंगल में, फिर जिस दिन हजार होते हैं वो आता है, वहां से चालू होता है विषय। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति इतना आसान नहीं है महाराज, ये जो गधे लोग पूछते हैं ना सिलाबस दे दीजिए सार, नहीं समझ में आया, दे तो देते लेकिन वही है बंदर के हाथ में तलवार दे दो फिर जंगल में छोड़ दो, देखेगा क्या आंवला का झाड़ है, हर्रा का झाड़ है, भेड़ा का झाड़ है, वृद्धधारक का झाड़ है, बहुत कॉस्टली है, बंदर समझेगा काटते जाएगा। घोड़े के पूंछ में राजा का सिंहासन बांध दोगे, घोड़ा समझेगा मेरा पूंछ में राजा का सिंहासन बहुमूल्य है, दुर्मूल्य है, हीरा मोती माणिक के लगाया गया है, वो तो घोड़ा दौड़ेगा गधा जैसे, तोड़ताड़ के रख देगा। तो राजा का सिंहासन बांधने के लिए हाथी का पीठ चाहिए, समझ में आ रहा है जी, और तलवार देना है तो पहले साधना करके सिद्ध होना है। बंदर के हाथ में तलवार नहीं दे सकते, आपको सिलेबस नहीं दे सकते, अगर कोई दे दिया है तो चलाने दो उनका गुरुकुल। मैं कहता हूं 1300 साल पुराना, जिसको खरीदने के लिए उस समय मेरे को 2 करोड़ रुपया मिल रहा था, 1300 साल पुराना तालपत्ता का पोथी नहीं दिया, मेरे लिए मेरे जान के पीछे हाथ धो के पड़ गए, लेकिन मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि आगे अगर कहीं गुरुकुल खुले तो शुद्ध गुरुकुल खुले, आज के कथाकथित गुरुकुल नहीं खुले कि बाहर गुरुकुल का बोर्ड लगा दिया और अंदर मेकोले का काम धड़ल्ले से चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो साधना का बात इतना सहज नहीं है जिसके लिए आप आए हो। कई लोग भगोड़ा जैसे भाग गए मेरे से और मैं कभी क्षमा नहीं करता, मुझे एक चंद्रगुप्त चाहिए पूरे नंद साम्राज्य को ध्वंस करने के लिए, भेड़ और भीड़ों से मुझे कोई लेन देन नहीं है, मैं तो एक ढूंढ रहा हूं, एक चंद्रगुप्त हो जाए, एक शिवाजी हो जाए, एक शिवाजी चाहिए मुझे, भेड़ और भीड़ नहीं चाहिए, एक अर्जुन चाहिए मुझे, एक एक अर्जुन चाहिए, समझ में आ रहा है? एक काफी है उस चक्र व्यूह को भेद करने के लिए, कौन? अभिमन्यु। भेड़ और भेड़ों का कोई काम नहीं है, कीड़े मकोड़ों से क्या करना लेना देना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, और एक बनने के लिए उस प्रकार का मेहनत, देख लो चाणक्य का सीरियल देख लो, उस प्रकार का मेहनत चाहिए, मेरे से डेली लात भूसा खाना पड़ेगा, मेरे से फाइट करना पड़ेगा, मुझे जीतोगे तब आगे बढ़ोगे ना, मुझे लड़के जीतो पहले, समझ में आ रहा है? वो अस्त्र शस्त्र विद्या में भी मेरे से लड़ना पड़ेगा, न्यूद शास्त्र में भी लड़ना पड़ेगा, तंत्र में भी मेरे साथ तंत्र का मंत्र का फाइट करना पड़ेगा, तुम चलाओगे तंत्र मैं चलाऊंगा तंत्र, तुम चलाओगे यंत्र मैं चलाऊंगा यंत्र, मेरे को जीत के तो आगे बढ़ो पहले, फिर देश और समाज के साथ लड़ने के लिए जाओगे, तुम मंत्र मारो हम मंत्र मारेंगे। देखिए अहंकार गर्व घमंड से नहीं कह रहे, वो फिनिशिंग चाहिए, वो फिनिशिंग चाहिए, उस बे आना चाहिए, नहीं तो भाग जाओ, भगा देता हूं। एक चाहिए, हजार भेड़ बकरियों से कुछ काम नहीं देने, कीड़े मकोड़े बहुत धरती में जिंदा रह गए, अब कीड़े मकोड़े के पीछे हम समय नहीं दे रहे, इसलिए लाखों करोड़ों मिलते थे गौ कथा से, बंद कर दिया, नहीं जा रहा हूं, भाषण दे दे के जिंदगी स्पॉइल कर दिया, नहीं दे रहा हूं, अब तो एक के साथ काम करना है और उस स्ट्रॉन्ग मर्द का बच्चा के साथ काम करना है, शेर का बच्चा के साथ काम करना है, भगोड़े नपुंसक हिंगड़ों के साथ और काम नहीं करना है, इसलिए मैं आपको बोला भागोगे भागो और रहना है मरने के लिए तैयार रहो, भिड़ने के लिए तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार रहो, यह क्या है?